मृणाल, ओह इट्स रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई एम अ डीप इंटेंस थिंकर और अ पर्सन, बट आई एम फन आल्सो यार, आई एम नॉट दैट बोरिंग एंड वेरी रोमांटिक। हाँ वो पता चला, बहुत ज्यादा रोमांटिक थीम्ड पॉडकास्ट था, पर आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है हमें जी, द कपिल शर्मा शो या द रणवीर शो? द रणवीर शो। आज के व्लॉग का थीम है प्यार, और प्यार ही है वो चीज़ जिसकी वजह से आजकल मैं थोड़ा सा लोनली फील करने लगा हूँ। जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, बहुत ही जल्द मैं 29 साल का हो जाऊँगा, 29 years of age, और मेरे लाइफ में दो ही टाइप के लोग हैं, एक जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा बिजी है बिल्कुल मेरी तरह, और दूसरे जो एक ज़्यादा बैलेंस्ड अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। मेरे आसपास के सारे दोस्त जिनकी शादी हो रही है, इनफैक्ट मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये है आनंद पंजाबी, शक्ल से तो ड्रेक जैसे दिखते हैं पर है मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड इस रणबीर कपूर लुक अलाइक के साथ। आनंद को मैं टीनेज में मिला था, आनंद का दिल बहुत ज़्यादा साफ है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीन हार्टेड पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ। और पता है स्कूल में हमारी बॉन्डिंग क्यों हुई थी? क्योंकि हम दोनों थे आशिक। पर इनकी कॉलेज लाइफ में, इनकी कहानी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। आनंद फाउंड द लव ऑफ हिज लाइफ, ये है जूही, और ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज से डेट कर रहे हैं। वैसे तो कॉलेज में आपको हजार कपल्स दिखेंगे, बट उनमें से शायद एक या दो ही कपल्स लॉन्ग टर्म कपल्स बन जाते हैं, एंड आनंद एंड जूही आर दैट कपल फॉर मी। दे वर बेसिकली ऑलवेज ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स, एंड दैट्स द बिग रीजन आई फील दे हैव लास्टेड इन द लॉन्ग टर्म। एक दूसरे के साथ 10 साल बिताने के बाद, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रू लव, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द हाइज एंड लोज ऑफ रिलेशनशिप्स, ये दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे थे। How do you feel that all this is a manifestation of your happiness, Anand? Beautiful, it feels very magical and authentic. कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद everybody! भाइयों बहनों, आज आनंद पंजाबी और जूही की शादी है। Give it up for everybody! आज आनंद को भी बहुत अच्छा लग रहा है जूही। जूही हमारे फ्रेंड को स्टील करके कैसा लग रहा है? स्टील वे, ही ओनली केम टू मी। वेयर स्टील फीलिंग, हाउ यू फीलिंग? अमेजिंग, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तो टेल अस व्हाटएवर यू वांट टू टेल हर राइट नाउ अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड अबाउट जूही। यू वांट टू नो दैट शी इज रियली गोना हैव अ टफ टाइम लिविंग विद मी, आई विल मेक श्योर लाइफ इज नॉट इजी एज शी थॉट इट वुड बी, शी इज गोना हैव फेस लॉट ऑफ हर्डल्स विद मी। स्टॉप इट, I'm going to trouble this shit out of her to an extent that she'll also question her decision to marry me. Just kidding, I actually will do it. ये शायद one of the most positive weddings थी जो मैंने कभी life में attend किया, and for me till now it's genuinely the favorite wedding I've attended because of the overall vibe of the wedding. बहुत ही ज़्यादा purity feel हुई उस wedding पे. Such a sight to see your golden glow. Had to say the words, I won't let you go. It was a match made in heaven. Rab ne bana di jodi wali feels. Par is 28 saal ke dil se ek aur awaaz goonji, aur wo awaaz thi, mera number kab aayega be? Haan, pata hai. Sabki life mein sab kuch perfect nahi ho sakta. Par yaar, kya karun? I feel ki God has given me everything I want, career-wise, team-wise, friendship-wise. पर प्यार की कमी है मेरे दिल में, लोनली फील करता हूँ जब मैं रात को सोने जाता हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार no matter how much money we see, fame we see, success we see, who do I share it with? Who do I share my inner world with? और इन weddings में ना हमेशा मुझे bitter sweet feeling मिल जाती है, चाहे वो मेरे जिगरी दोस्त की क्यों ना हो। हमेशा मुझे ये लगता है कि यार आई एम टू हैप्पी फॉर यू, पर मेरा नंबर कब आएगा?
हाल ही में हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे डॉक्टर सिड वॉरियर के साथ, और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उनसे अपने पेन्स के बारे में बात किया, एक तरह की थेरेपी सेशन हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि फ्रॉम अ न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपको लोनलीनेस महसूस हो रहा है, तो पहले उस दर्द का कारण जानिए, उसकी वजह जानिए, एंड देन ट्राई रिप्लेसिंग दैट वजह विद ग्रैटिट्यूड। यानी कि अगर आपको दर्द फील हो रहा है, आपको हमेशा ये पूछना चाहिए कि यार वो दर्द क्यों हुआ, और उस क्यों की वजह से आपको एक ग्रैटिट्यूड का रीज़न ढूंढना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग इस यूट्यूबर की ज़िंदगी को देख के ये कह रहे होंगे, साले तेरे पास तो सब कुछ है, क्यों रो रहा है? पर हूँ तो मैं इंसान ही ना, नोबडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट, और मेरी लाइफ में ये पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, लोनलीनेस। एंड ऑनेस्टली लोग कहते हैं ना कि इफ़ यू वॉन्ट, आप प्यार के लिए टाइम बना सकते हो, हर कोई टाइम बना सकता है प्यार के लिए अगर चाहिए तो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आई अग्री टू इट टू अ सर्टन डिग्री, पर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो ना लाइफ में, आप खुद की लाइफ नहीं जी रहे हो, आप अपने साथ साथ अपनी टीम्स की भी लाइफ जी रहे हो, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मम्मी पापा की और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के बाद आपकी टीम की भी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने लगती है, इट बिकम्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। एंड जितने टास्क के लिए मैंने साइन अप किया है, लेवल बिग ब्रेन मंकी बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया, मैं 2 साल के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने रिलेशनशिप स्टार्ट करी ना, आई डाउट कि मैं मेंटेन भी कर पाऊंगा, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा कम है, एंड दैट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। तो द रियल क्वेश्चन इज, लोनलीनेस तो मेरी लाइफ से जाएगा नहीं, पर अगर आपको उस अकेलेपन का दर्द मिटाना है अपने दिल से, आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ठीक है यार, अगर रोमांटिक प्यार एज इन रिलेशनशिप वाला प्यार मेरी लाइफ में नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे लाइफ में सच्चा प्यार है मेरे दोस्तों की वजह से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और इन्हीं दोस्तों के प्यार की वजह से आई फील कि मेरे मेंटल हेल्थ को भी फायदे मिले। अगर आनंद जरवान जैसे दोस्त मेरे लाइफ में नहीं होते, तो शायद ही आई वुड बी इन अ गुड मेंटल स्पेस इन लाइफ। बट ये लोग मेरे लाइफ के असली ट्रेजर्स हैं। जिस इंसान ने हमें फैशन सिखाया, उस इंसान की शादी हो गई है आज। कैन यू रैप सम ड्रेक लिरिक्स? आई गॉट माय आईज ऑन यू, बिकॉज़ यू आर अ गुड गर्ल एंड यू नो इट। ये मेरा भाई है। इतने सारे लोग पर मारवाड़ी पावर भी है यहाँ। व्यूज 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 व्यूज। I'm the most grateful for my friends. But life में और भी चीज़ें हैं grateful होने के लिए, जैसे कि ये नया घर, जिसकी वजह से कभी कभी वो loneliness भी एकदम से चले जाता है। Especially ऐसे दिनों पर जब मैं मेरे family के साथ मेरी खुशी को share कर सकता हूँ। How do you like it? What are you thinking? It's really nice. Vibin? Yeah. जब ये होने लगता ना, ये नए घर में शाम के 5:30 बजे, आई फील हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड। वो थे मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ अलाहाबादिया, जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, पर इनसे भी ज्यादा प्यार मैं करता हूँ इस इंसान से। लक्ष्मी भैया ने गुजराती खाना बनाया, गुजराती मम्मी के लिए। ये है मुठिया, ये है खांडवी, ये है मम्मी। So pretty it looks, yeah. I'll be like that eagle one day, ma. Oh, baby. दोस्तों ये है मेरी मम्मी स्वाति अलाहाबादिया। इनका जन्म 6 सितंबर 1965 में हुआ था। मेरी मम्मी बेसिकली स्कूल की हेड गर्ल थी और टॉपर भी थी, और इसी हार्डवर्किंग एम्बिशियस नेचर की वजह से इनको सीट मिल गई बॉम्बे के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज KEM हॉस्पिटल में। आज में 2022 में ये मेडिकल फील्ड की एक बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर बन चुकी है, एक एंटरप्रेन्योरियल डॉक्टर भी मानी जाती है। पर मेरे लाइफ के 28 सालों में मैंने इनकी हसल बहुत ज़्यादा देखी है। बचपन में घर संभालने के लिए इन्होंने अपने करियर से एक बैक सीट ले ली थी। आप ही सोचो, एक इतनी ज़्यादा हार्डवर्किंग, इतनी ज़्यादा एम्बिशियस इंसान ने अपने करियर को बोला, नहीं आप पीछे जाइए, अब मेरे बच्चों का टाइम आ गया है।
What is the one thing you want Ranveer to do in career next? Achieve all his goals. Now, what do you want? I want him to be happy. Whatever his goals are, if he achieves them and is happy, that's all I want. इस घर के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा. जगह भी बहुत अच्छी है और घर भी बहुत सुंदर. मेरे सिक्स स्टैंडर्ड में मेरे शरारती नेचर की वजह से मेरी मम्मी ने अपने जॉब को पूरी तरीके से छोड़ दिया और घर बैठने लगी एज अ हाउस वाइफ टू कोच मी. तब मुझे इस चीज़ का महत्व समझ नहीं आया. पर एक साल बाद सेवन स्टैंडर्ड में एक रात को मैं उठा और मैंने देखा कि 5 बजे सुबह के 5 बजे कि मेरी मम्मी डाइनिंग रूम में बैठ के मेरे लिए नोट्स बना रही थी सुबह के 5 बजे. आई यूज़ टू नॉट गिव अ शिट अबाउट द नोट्स टिल दैट पॉइंट. पर उस मोमेंट के बाद मुझे समझ आया कि यार ये इंसान रो रो के मेरी नोट्स बना रही थी. मैं उन्हें इतना सता रहा था. उन्होंने खुद के करियर से एक बैक सीट ले ली थी. एंड इन दैट मोमेंट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि एक दिन मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि मेरी मम्मी के जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं इट विल ऑल बी वर्थ इट. शायद यही मेरे करियर के पीछे की मोटिवेशन है कि मम्मी के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँ इस दुनिया में. एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर लेगा रणवीर. बहुत मस्ती खोर था लेकिन बहुत अच्छा था. बहुत मेहनत भी कर रहा है और अच्छी तरह से अपना सब कारोबार संभाल रहा है. ओके, आप कुछ बदलेंगे रणवीर के बारे में? जल्दी सोए और जल्दी उठे. ओके, 6 साल लगे हैं इस घर को कमाने में, बिजनेसेस बनाने में, सोसाइटी में इज्जत पाने में. एंड 6 साल लगे मेरे मॉम को प्राउड फील करवाने में. बट मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप 21 साल के हो, 22 साल के हो और आपको भी खुद के पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ट्रस्ट मी अगले 5-6 सालों के लिए ना कड़ी मेहनत करो, बिकॉज देर विल बी ब्यूटिफुल आउटकम्स. पर दोस्तों, ब्यूटिफुल आउटकम्स के साथ ये कड़वा सच भी जानो, आपकी लाइफ ना कभी परफेक्ट होने नहीं वाली. जैसे कि मैंने कहा, इस व्लॉग का थीम है प्यार, जो मेरे लाइफ में शायद इन सम वेज नहीं है, पर मेरी लाइफ का पहला प्यार और सबसे गहरा प्यार और सबसे ज़रूरी प्यार, मेरी मम्मी का प्यार, अभी भी मेरे लाइफ में बरकरार है. नोबडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट. आपकी भी लाइफ शायद परफेक्ट नहीं है. मेरी तरह आपको भी शायद अकेलापन फील हो रहा हो. पर अगर आप अपने अकेलेपन पर फोकस करोगे ना, आपके लाइफ में जो तोहफे हैं, आपके गिफ्ट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली का प्यार, आपकी मम्मी का प्यार, आपके डैडी का प्यार, उन चीज़ों पर अगर आपने फोकस नहीं किया ना, तो वो लाइफ की ओर एक तरह की नाइंसाफ़ी होती है. डोंट ट्रीट द लव यू आर रिसीविंग एज समथिंग दैट इज़ नॉट लव. जिस प्यार के लिए आप अभी भूखे हो, जिस प्यार के लिए अभी आप प्यासे हो, वो प्यार अभी आपके लाइफ में है, आपके आसपास ही है, पर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे. एंड आई होप कि इस व्लॉग के थ्रू आपने खुद के अकेलेपन के बारे में भी सोचा हो और उस अकेलेपन का समाधान यानी कि सल्यूशन भी आपको इसी व्लॉग से मिल गया हो. थैंक यू. प्यार करते रहो, प्यार में विश्वास रखो और लाइफ में मोहब्बत है के अमिताभ बच्चन मत बनो. सब नेगेटिव चीज़ों पर फोकस मत करो, पर मोहब्बत है के शाहरुख खान बनो, जिन्हें प्यार में विश्वास है, जिन्हें रोमांस में विश्वास है और जिन्हें ये भी पता है कि रोमांस आपके दोस्तों की वजह से और आपके फैमिली की वजह से भी आपको मिल सकता है. नमस्ते.